नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपका YouTube चैनल इंटरनेट से सीखो में। मैं सुजीत कुमार पंडित। दोस्तों, बिहार की नई भर्ती है, नई नौकरियां हैं जो कि नगर विकास और आवास विभाग में इसकी वैकेंसी है, जो कि आपका 7874 नई नियुक्तियां भी इन पदों में की बहाली के लिए सृजित की गई है। तो दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो के अंत तक बने रहना है और कुछ सारी जानकारियों को प्राप्त करना है, सारी जानकारियों के बारे में जानकारी लेना है, तो आप लोगों से अनुरोध है कि इस वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहें। और जो भी मेरे चैनल पर पहली बार आए हुए हैं, उनसे अनुरोध है कि मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और घंटे के बटन को जरूर दबा देंगे, ताकि जो भी वीडियो मैं बनाता हूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल स्क्रीन पर दिखाई दे और सबसे पहले आप हर न्यूज़ की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। तो जैसा कि आप हमारे थंबनेल में देख सकते हैं कि बिहार सरकार की नौकरी, नगर विकास व आवास विभाग की भर्ती, 7874 नई नियुक्तियां, अन्य पदों की बहाली। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको सारी जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूं। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लेंगे। अब मैं आपको लिए चलता हूं इसके वीडियो पे, जो इसकी न्यूज़ दी गई है। और न्यूज़ पे जाने से पहले मैं आपको इन सभी वीडियो के बारे में कुछ जानकारियाँ संक्षिप्त रूप से देना चाहता हूँ। तो चलते हैं इसके वीडियो पर। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग के तरफ से जो 1075 पदों पर ड्राइवर की पोस्ट निकली हुई थी, उनका जो है एग्ज़ाम डेट जो है रद्द कर दिया गया है। और जो भी कैंडिडेट DCECE ली के लिए फॉर्म अभी तक नहीं अप्लाई किए हैं, तो वो जल्द से जल्द अप्लाई कर लें, क्योंकि इसमें सारी जानकारियाँ मैंने ऑफिशियली नोटिफिकेशन के जरिए दिया गया हुआ है। और जो भी कैंडिडेट बिहार पॉलिटेक्निक फॉर्म ऑनलाइन करना चाहते हैं, वो भी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि उसका भी डेट जारी कर दिया गया। और जिस कैंडिडेट का SSC JEE एग्ज़ाम होने वाला था, उनका एग्ज़ाम पोस्टपोन कर दिया गया है। और जो भी कैंडिडेट जिज्ञासा हेल्पलाइन के तरफ से, एक बिहार सरकार की नई भर्ती आई हुई है जो कि जिज्ञासा हेल्पलाइन है, उनमें पद जो है सुपरवाइज़र हेल्पलाइन का है, और सारी जानकारियाँ मैंने इसमें बताया हुआ है। तो जिनको भी इस फॉर्म को भरना है, इस फॉर्म को भर सकते हो। और SSC कांस्टेबल मेडिकल एग्ज़ाम का भी रद्द कर दिया गया है। जो भी कैंडिडेट का एग्ज़ाम मेडिकल होने वाला था, मेडिकल एग्ज़ाम होने वाला था SSC GD कांस्टेबल का, उनका भी जो है कोरोना वायरस के कारण जो है इस एग्ज़ाम को पोस्टपोन कर दिया गया है। तो इन सारे वीडियो को आप लोग बारी बारी से देख लेंगे, समझ लेंगे। और हमारे आई बटन पर आपको लेटेस्ट अपडेट के बारे में वहाँ पर भी आपको जानकारी मिलने वाली है, तो वहाँ से भी आप जानकारी प्राप्त कर सकते हो। तो चलते हैं इसके न्यूज़ पे, जो कि मैंने आपको बताया मैंने नगर इकाइयों में होगी 7874 पदों पर जो है नए पदों पर बहाली। तो क्या है बहाली, मैं आपको सारी जानकारी इसमें देने वाला। तो मैं पहले आपको 163 नगर प्रबंधक का होगा नियोजन, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद मैं आपको ले जाऊँगा उसके 7874 पदों पर। तो निकायों में स्थायी पदों के अलावा संविदा के आधार पर नगर प्रबंधकों को भी जो है रखने की तैयारी है। इसके लिए स्वीकृत कुल 227 पदों के विरुद्ध खाली पड़ 163 पदों पर संविदा के आधार पर नियुक्ति की जाएगी। और नियुक्ति के लिए नगर विकास व आवास विभाग की ओर से जो है बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा के परीक्षा नियंत्रक को अधियाचना भेजी गई है। इसके अलावा नगर पालिका प्रशासन निदेशकों को समूह एवं ख के पदों की संविग्रीय स्थिति सहित प्रोन्नति का भी पद निर्धारित किया गया है। और अन्य पदों पर जो मैंने आपको बताया, अन्य पदों की जो कि इसकी अन्य पदें जो है आपका उपरोक्त पदों के अलावा पटना मास्टर प्लान 1031 के कार्यान्वयन के विभिन्न प्रकार के छिहत्तर पदों का जो है सृजन किया गया है, जो कि भू संबद्धता विनिमायक प्राधिकरण को सौंपे गए हैं। तो ये सारी बातें थी दोस्तों। अब मैं आपको लिए चलता हूँ इसकी, जो कि आपको मैंने बताया कि 7874 पदों पर जो इसकी नगर विकास शायद के लिए जो निकाली गई है वैकेंसी। राज्य के नगर निकायों में अगले वित्तीय वर्ष में 7874 पदों पर नई नियुक्तियां होगी। इसके लिए पदों का सृजन कर दिया गया है। नगर निकायों में 163 नगर प्रबंधक के पदों पर नियुक्ति होगी, जो कि मैंने आपको बताया यहाँ पर आपको 163 पदों पर जो संविदा के आधार पर नियुक्ति की जाएगी, जो कि नगर प्रबंधक की होगी। और विकास आवास के अधिकारी सूत्रों के मुताबिक राज्य के 142 नगर निकायों में अधिकारियों को लेकर के कर्मचारी तक की संख्या बढ़ाई गई है। तो दोस्तों, वो भी मैंने आपको बताया, 147
और कर्मचारी तक की संख्या जो कि मैंने आपको बताया कि इसे 142 से ज़्यादा भी इसकी संख्या बढ़ाई गई है, और नगर विकास व आवास की ओर से अब तक कुल 7874 नए पद का सृजन किया गया है, और विभाग ने पंचायत परिषद से लेकर के निगम तक के लिए अलग अलग पद बढ़ाए गए हैं, और अलग अलग पद बढ़ाए गए हैं जो कि जानकारी के अनुसार 82 नगर पंचायत में विभिन्न प्रकार के 1754 पदों पर होंगे, और 42 नगर परिषद में पदों की संख्या 2007 हज़ार होंगे, और 64 नए पद के लिए 11 नगर निगम के कुल 2663 पद होंगे। यह इनका जो सृजन किया गया है, और विभाग की ओर से नगर पालिका विकास निदेशालय ने मुख्यालय में 695 नए पद बनाए गए हैं। विभाग की माने तो नए पद पर नियुक्ति के लिए निकायों की कार्य क्षमता बढ़ेगी, और निकाय स्तर से ही सफाई के अलावा निर्माण के लिए कार्य किए जाएंगे। तो ये सारे बातें थी दोस्तों जो कि मैंने आप लोगों तक क्लियर कर दिया। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को शेयर जरूर कर देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि जो भी कैंडिडेट इसके लिए इजिबल होंगे वो इस फॉर्म को भर सकेंगे। सो दोस्तों, हमारा इस YouTube चैनल में आप सबों का धन्यवाद।